आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिंह। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, खूंटी में पत्थलगड़ी नहीं 100 एकड़ में अवैध अफीम की खेती का मामला है। पूर्वोत्तर में विकास और सुशासन की जीत हुई है। बीजेपी का दावा, 29 विधायकों का समर्थन, मेघालय में बनाएंगे गैर कांग्रेसी सरकार। यूपीडी ने भी किया समर्थन का ऐलान। फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए बीएसपी और एसपी आए साथ। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि खूंटी में मामला पत्थलगड़ी का नहीं है, मामला 100 एकड़ में अवैध अफीम की खेती का है। उन्होंने कहा कि उग्रवादी संगठन को संरक्षण देकर कुछ लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रघुवर दास रहे या ना रहे, झारखंड रहेगा। झारखंड में इस तरह का कार्य कोई भी करेगा, उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निकाय चुनाव में आजसू से गठबंधन के सवाल पर कहा कि आजसू अभी तक गठबंधन कायम है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूर्वोत्तर में भाजपा की जीत को विकास और सुशासन की जीत कहा। उत्तर पूर्व के राज्यों में भाजपा की विजय इस बात का संदेश है कि अब भाजपा जन जन की पार्टी बन चुकी है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की राजनीति के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री के 4 सालों के कार्यों पर उत्तर पूर्व की जनता ने मुहर लगाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कुशल नेतृत्व में भाजपा लगातार जीत रही है, इसके लिए उनका अभिनंदन। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में 25 वर्षों से स्थापित कम्युनिस्ट शासन को उखाड़ फेंक जिस प्रकार वहां की जनता ने विकास का रास्ता चुना है, उसके लिए वहां के लोगों को बधाई। भाजपा की इस विजय के लिए पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि धन्यवाद, जो निस्वार्थ भावना से देश सेवा में लगे हैं। राजबाला वर्मा प्रकरण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बबशीट नहीं लिखते, आदेश देते हैं। उस न्यूज का कोई हाथ पैर नहीं था। सुनील वर्णवाल की पत्नी के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर कहा कि तथ्य प्रस्तुत करें, 24 मिनट में कार्रवाई होगी। सरयू राय पर कहा, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, सरकार मजबूती से चल रही है। मेघालय चुनाव परिणाम में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जरूर उभरी है, लेकिन वहां बीजेपी गैर कांग्रेसी सरकार बनाने के बेहद करीब है। असम के मंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिश्व शर्मा ने दावा किया है कि बीजेपी को क्षेत्रीय नेशनल पीपल्स पार्टी यूडीपी, पीडीएफ और अन्य के साथ मिलाकर कुल 29 विधायकों का समर्थन हासिल है। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि विधायकों के समर्थन का यह आंकड़ा और ऊपर जाएगा। उधर यूडीपी ने भी गैर कांग्रेसी सरकार के समर्थन का ऐलान कर दिया है। मेघालय में त्रिशंकु चुनाव परिणाम के बीच सरकार बनाने का कवायद में जुटे शर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी नहीं, एनपीपी इस सरकार का मुख्य हिस्सा होगी। उसके पास 19 सीटें हैं, हमारे पास सिर्फ 2 सीटें हैं। इसके बाद यूडीपी है जिसके पास 6 विधायक हैं। हमारी बातचीत क्षेत्रीय पार्टी यूडीएफ के साथ भी चल रही है। हम सबसे लगातार संपर्क में हैं और 29 विधायकों के समर्थन के साथ राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 ध्रुवों पर खड़ी रही एसपी और बीएसपी ने गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए गठबंधन का फैसला लिया है। इसके अलावा बीएसपी ने राज्यसभा चुनाव में भी एसपी उम्मीदवारों को समर्थन देने की बात कही है। गोरखपुर में हुई बीएसपी की बैठक में एसपी उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला लिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद अब उसे पहली कड़ी टक्कर यूपी में मिल सकती है। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर 11 मार्च को चुनाव होने हैं और 14 मार्च को मतगणना होनी है। इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ 2019 लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की खबरों से इनकार करते हुए कहा कि 2 सीटों पर उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव के लिए अभी इस हाथ लो उस हाथ दो समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि बीएसपी पहले की तरह उपचुनाव में नहीं उतरी है और कार्यकर्ताओं को बीजेपी के खिलाफ
सबसे मजबूत उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा गया है। अब तक की प्रमुख खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और इंतजार करिए आजाद सिपाही खबर विशेष का राकेश सिंह के साथ। धन्यवाद।